दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए 8 से 14 जुलाई 2023 तक की 16 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुनहरा और बड़ा अवसर निकला है। 8वीं 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से भारत के सभी राज्यों से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 8 से 14 जुलाई 2023 तक की टॉप 16 भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में। पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत अप्रेंटिस के लिए 1104 वैकेंसीज निकली है। 2 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। मेरिट से चयन होगा, बिना परीक्षा के भर्ती है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो NER.IndianRailways.gov.in पोर्टल से। बात अगर सेकंड नंबर जॉब की जाए तो वो भी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ वेस्टर्न रेलवे दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत निकली है। अप्रेंटिस के लिए 904 वैकेंसीज है। 2 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SC ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। मेरिट से चयन होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो RRCHubli.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब है वो निकली है इंडियन कोस्ट गार्ड में। भारतीय तटरक्षक के अंतर्गत MTS सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर मोटर ट्रांसपोर्ट फीटर की पोस्ट है। 14 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑफलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो IndianCoastGuard.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो निकली है इंडियन आर्मी में। भारतीय सेना में 55 NCC स्पेशल एंट्री कोर्स अप्रैल 2024 के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। 55 वैकेंसीज है। 3 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 19 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो joinindianarmy.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर की जॉब है वो भी EMRS के अंतर्गत निकली है। टीचिंग और नॉन टीचिंग की बंपर भर्ती की अपडेट है। 4062 वैकेंसीज निकली है, जिसके लिए आप 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास डिग्री PG डिग्री BEd से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30, 40 और 50 वर्ष आयु सीमा है। फीस 200, 2000, 1500 और 1000 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो emrs.tribal.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर की जॉब है वो निकली है PGCIL के अंतर्गत। अप्रेंटिस के लिए 1045 वैकेंसीज निकली है, जिसके लिए आप 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 10वीं ITI डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो powergrid.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर की जॉब है वो निकली है असम राइफल्स में। राइफल मैन या राइफल वुमेन GD जनरल ड्यूटी स्पोर्ट कोटा की भर्ती है। 81 वैकेंसीज निकली है, जिसके लिए आप 30 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SC ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो assamrifles.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर की जॉब है वो निकली है RRCWR रेलवे में। अप्रेंटिस के लिए 3624 वैकेंसीज निकली हुई है, जिसके लिए आप 26 जुलाई तक ऑनलाइन कर सकते हो। 10वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है।
₹100 फीस है, SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी, बिना परीक्षा के भर्ती है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो rrc-wr.com पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर की जॉब है वो निकली है ITBP में, कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए 458 वैकेंसीज है, 26 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो, 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 27 वर्ष आयु सीमा है, ₹100 फीस है, SST को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो recruitment.itbpolice.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 10th नंबर की जॉब है वो निकली है फूड डिपार्टमेंट में, फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट की भर्ती है, 23 जुलाई तक आप ऑनलाइन कर सकते हो। यहाँ पर भी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है, ₹2,1500 फीस है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 11 नंबर की जॉब है वो निकली है SSC में, MTS हवलदार की पोस्ट है, 1558 वैकेंसीज है, 21 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो, 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 25 और 27 वर्ष आयु सीमा है, ₹100 फीस है, SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो ssc.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 12th नंबर की जॉब है वो भी IBPS बैंक में निकली है, कलर के लिए 4,545 वैकेंसीज निकली है, जिसके लिए आप 21 जुलाई तक ऑनलाइन कर सकते हो। यहाँ पर बैचलर डिग्री धारक कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, 20 से 28 वर्ष आयु सीमा है, ₹850-175 फीस है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो IBPS.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 13 नंबर की जॉब है वो भी इंडियन आर्मी भारतीय सेना में निकली है, 7 वैकेंसीज है, SSC कोर्स के माध्यम से भर्ती होगी, 21 जुलाई तक आप इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हो, LLB लॉ डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो, 21 से 27 वर्ष आयु सीमा है, फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो joinindianarmy.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 14 नंबर की जॉब है वो भी इंडियन आर्मी में निकली है, SSC मैन टैक और SSC टैक वोमैन की भर्ती है, 194 वैकेंसीज है, 19 जुलाई तक आप ऑनलाइन कर सकते हो, BB टैक से आप अप्लाई कर सकते हो, 20 से 27 वर्ष आयु सीमा है, फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो joinindianarmy.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 15 नंबर की जॉब है वो निकली है RMFL के अंतर्गत, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, 140 वैकेंसीज है, 19 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 20, 30, 35 वर्ष आयु सीमा है, ₹500 फीस है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो repcomicrofin.co.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 16 और लास्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, मैनेजर स्किल सेकंड मेन स्ट्रीम की पोस्ट है, 1000 वैकेंसीज है, 15 जुलाई तक आप ऑनलाइन कर सकते हो, ग्रेजुएशन डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम 32 वर्ष आयु सीमा है, ₹850-175 एप्लीकेशन फीस है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो centralbankofindia.co.in पोर्टल से। तो दोस्तों ये थी 8 से 14 जुलाई 2023 तक की टॉप 16 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन भी यहीं से कर सकते हो। सभी भर्तियों के इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।